हाय गाइस, तो स्वागत है आपका मेरे किचन में। तो फ्रेंड्स, मैं मोहिनी और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ करेले की बहुत ही सिंपल और बहुत ही यूनिक तरीके से बनने वाली सब्जी की रेसिपी। फ्रेंड्स, करेले तो आपने कई बार बना के खाए होंगे, बट एक बार मेरे तरीके से करेला बना के देखिए। यकीन मानिए, आप इसे इतना पसंद करेंगे कि बच्चे भी इसे बार बार मांग के खाना पसंद करेंगे, और ये खाने में चटपटे होने के साथ साथ कड़वे भी नहीं होंगे, जो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। तो फ्रेंड्स, रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मोहिनी किचन को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आने वाली हर वीडियो का मैसेज आपको पहले मिल सके। तो चलिए इस आसान सी और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी सब्जी को बनाना शुरू करते हैं। तो सब्जी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया 600 ग्राम करेले। तो आप देख सकते हैं करेले बिल्कुल फ्रेश हैं और पूरी तरह से हरे हैं। फ्रेंड्स, हरे करेले के अंदर बीज बिल्कुल भी नहीं होते हैं और ये बहुत ही अच्छे होते हैं, जिससे हमारी सब्जी तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनके तैयार होती है। अगर ज़्यादा बीजदार करेले होंगे तो करेले ज़्यादा कड़वे होंगे और उसकी सब्जी अच्छी नहीं बनती, इसलिए हमें करेले बिल्कुल हरे कलर के लेने चाहिए और बिल्कुल सॉफ्ट लेना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, करेले को हम काटेंगे। तो काटने से पहले हम करेले को हल्का हल्का रफ करेंगे। तो सबसे पहले हम ऊपर और नीचे के हिस्से को काट के इसे हल्का हल्का रफ करेंगे। आपने देखा होगा कि करेले काफ़ी लोग छीलते भी हैं, तो हमें छीलना भी, अगर आप छीलना चाहें तो आप इसे छील भी सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे चाकू से हल्का हल्का इसे क्रश करूँगी, ताकि इसमें हम जब भी नमक डाल के रखेंगे तो नमक इसमें अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए और नमक से हमारे करेले का कड़वापन दूर हो जाए। तो इसलिए इसे इस तरह से चाकू की हेल्प से हमें हल्का हल्का रफली इसी तरह से छिलके उतार देना है। तो आप देख सकते हैं मैं इसे किस तरह से स्किन को निकाल रही हूँ। तो बस इसी तरह से हमें अच्छे से हल्के हल्के करके तराश देना है। हमें इसके छिलकों को ज़्यादा नहीं निकालना है, हमें इसके छिलकों को बस इतना ही निकालना है कि इसमें नमक अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। तो बस इसी तरह से सारे करेले को हम अच्छी तरह से छील लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छी तरह से छील लिया है, और ये जो करेले की कतरन है इसे हमें फेंकना नहीं, इसे हम साइड में ही रखेंगे और इसका भी इस्तेमाल हम सब्जी में करने वाले हैं, क्योंकि इसमें भी बहुत सारा बेनिफिट है जो कि हमें नहीं फेंकना चाहिए। इस तरह से हम सारे करेले को अच्छी तरह से तराशते हुए सारे छील लेंगे। तो यहाँ पर मैंने करेले को अच्छी तरह से छील लिया है, साथ ही आप इसकी कतरन को भी देख सकते हैं कि काफ़ी मात्रा में निकला हुआ है। तो इसे भी हम फेंकने वाले नहीं, इसका भी हम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि करेले के हर एक पोर्शन में बहुत सारा बेनिफिट होता है जो कि हमें नहीं फेंकना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम करेले को अच्छी तरह से काट लेते हैं। तो काटने के लिए हमें न ज़्यादा इसको पतला और ना ही ज़्यादा मोटा, हमें इसको मीडियम साइज में इस तरह से गोल गोल काट लेना है। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा करेला है, इसमें एक भी बीज नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल फ्रेश और ताज़ा करेला है। जब भी आप करेला लेने जाएं तो आप बिल्कुल फ्रेश और हरा करेला लें, जिससे इसमें बीज भी कम होते हैं और ये खाने में बहुत ही अच्छे और टेस्टी भी बनकर तैयार होते हैं, क्योंकि ज़्यादा बीज वाले करेले ज़्यादा कड़वे होते हैं, जिससे वो सब्जी में काफ़ी कड़वाहट होती है, इसलिए हमें बीज वाले करेले नहीं लेने चाहिए। तो आप देख सकते हैं हमें इसे इस तरह से स्लाइस में कट कर लेना है। तो बस इसी तरह से हम सारे करेलों को काट लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने करेले को अच्छी तरह से काट लिया है, तो आप देख सकते हैं। तो बस इस तरह से हमें करेले को कट कर लेना है। अब हम क्या करेंगे, एक बड़े बर्तन में इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो बर्तन हमारा थोड़ा गहरा होना चाहिए, जिससे हम इसमें नमक को मिलाएं तो अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो सके। साथ ही ये जो हमने कतरन इसकी रखी हुई है, तो इसमें भी हम नमक को ऐड करने वाले हैं, जिससे इसकी भी कड़वाहट अच्छी तरह से दूर हो जाए। तो चलिए इसमें एक चम्मच हम नमक को डाल के इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो मिक्स आपको कुछ इस तरह से करना है, ताकि नमक हमारे सारे में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, तो आप देख सकते हैं। तो बस इसे हम साइड में रखते हैं और करेले में भी हम नमक को ऐड कर लेते हैं। तो इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच नमक, क्योंकि करेले की क्वांटिटी 600 ग्राम है, इसलिए हम 2 चम्मच नमक का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो नमक को डालने के बाद अब हम करेले को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, ताकि नमक हमारा करेले में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो कुछ इस तरह से आप इसे मिक्स कर सकते हैं, जिससे नमक हर एक करेले के पोर्शन में पहुंच जाए और इसकी कड़वाहट को दूर कर सके। तो बस इसी तरह से मिक्स करते हुए इसे हम साइड में लगभग 1 से 1.5 घंटे के लिए साइड में रख देते हैं, जिससे इसका जितना भी पानी है कड़वा वो अच्छी तरह से बाहर निकल जाए। फ्रेंड्स, करेले में नमक डालने से हमारे करेले की काफ़ी हद तक कड़वाहट दूर हो जाती है, जिससे सब्जी हमारी कड़वी नहीं लगती और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनके तैयार होती है। तो चलिए इसे हम साइड में रखते हैं और आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम करेले का मसाला तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए हम लेंगे एक पैन और उसमें हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच साबुत धनिया, 1 बड़ा चम्मच सौंफ, साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच जीरा, और इसके साथ ही हम लेंगे 2 लाल मिर्च और थोड़ी सी कलौंजी। फ्रेंड्स, कलौंजी को हमें बस थोड़ी सी ही लेना है, मात्र खुशबू के लिए ही हम कलौंजी का इस्तेमाल करने वाले हैं,
क्योंकि ज़्यादा कलौंजी अगर हम लेंगे तो सब्जी हमारी कड़वी हो जाएगी और उसका टेस्ट बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है। और इन सारे मसालों को लेने के बाद अब हम गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रख के इसको अच्छे से रोस्ट करेंगे। हमें इसे जब तक भूनना है जब तक इसमें अच्छे से खुशबू ना आने लगे। तो बस इसी तरह से लगातार चलाते रहेंगे और मसालों को अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे। तो लगभग 1 से 1.5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं मसाले काफ़ी अच्छे से भून चुके हैं। तो बस इसे हम ठंडा कर लेंगे और ठंडा करने के बाद इसे ग्राइंडिंग जार में हम डाल के इसे हल्का सा दरदरा पीस लेंगे। तो चलिए इसे हम पीस लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने मसाले को अच्छे से हल्का दरदरा पीस लिया है, तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, हमें मसाले को बस इतना ही दरदरा रखना है। इस तरह से मसाला पीसने से सब्जी का टेस्ट काफ़ी अच्छा लगता है। तो चलिए इसे हम एक कटोरी में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे करेले का मसाला रेडी हो गया है। तो चलिए इसे हम साइड में रखते हैं और अपने करेले को चेक कर लेते हैं। तो लगभग 1.5 घंटे के बाद आप देख सकते हैं करेले काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो बस इसी तरह से आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा पानी भी रिमूव हो चुका है जो कि काफ़ी कड़वा है। तो बस इसी तरह से अब हम क्या करेंगे, इसको अच्छी तरह से धोएंगे और आप इसकी कतरन भी देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हम डाल के पानी इसको अच्छी तरह से मसलते हुए साफ़ करेंगे जिससे इसकी जितना भी नमक और कड़वाहट अच्छे से साफ़ हो जाए और ये कड़वापन इसका दूर हो सके। तो चलिए इसे हम हाथों से अच्छे से रफली करते हुए इसे इस तरह से मसल के साफ कर लेते हैं और लगभग 5 से 6 बार इसको अच्छी तरह से धो लेंगे जिससे इसकी जितनी भी कड़वाहट है वो अच्छे से दूर हो जाए। और इस तरह से मसल मसल के धोने से हमारा जितना भी एक्स्ट्रा नमक है वो अच्छे से निकल जाता है और साथ ही इसकी कड़वाहट भी दूर हो जाती है। तो बस इस तरह से मसलते हुए इसे अच्छी तरह से हम साफ़ कर लेंगे। साथ ही इसमें जितना भी बीज हो वो उसे भी हम अच्छे से निकाल देंगे क्योंकि बीज आने से हमारी सब्ज़ी में कड़वाहट आ जाती है और ये खाने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, इसलिए हम सारे बीजों को इस तरह से एक एक करके निकाल लेंगे। वैसे तो मैंने जो करेले लिए इसमें बिल्कुल भी बीज नहीं है। अगर आप जो भी करेले ले रहे हैं अगर बीज आए तो आप उसे ज़रूर निकाल दें। तो यहाँ पर मैंने करेले को अच्छी तरह से धो लिया है। तो बस अब हम क्या करेंगे, अब इसे अच्छी तरह से निचोड़ते हुए हम इसका सारा पानी निकाल लेंगे और इसे एक प्लेट में हम निकाल लेंगे। तो बस आपको ध्यान रखना है इसको अच्छी तरह से निचोड़ना है जिससे इसका जितना भी पानी है वो अच्छे से निकल जाए क्योंकि तेल में सब्जी बनने के बाद जब ये अच्छे से भुंजती है और कलरती है तब सब्जी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनके तैयार होती है। तो इस तरह से हम दोनों हाथों की हेल्प से भी इसे अच्छी तरह से निचोड़ लेंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी मात्रा में पानी भी निकला हुआ है। तो चलिए इसे हम साइड में रखते हैं और अब हम इसकी कतरन को भी अच्छी तरह से धो लेते हैं। तो इसको धोने के लिए हम क्या करेंगे, एक छन्नी लेंगे और इस छन्नी में ही हम इसे डाल के अच्छी तरह से पहले से अच्छे से मसलते हुए इसे साफ़ करेंगे जिससे इसमें जितना भी एक्स्ट्रा नमक है वो अच्छे से साफ़ हो जाए और ये इसकी काफ़ी हद तक कड़वाहट दूर हो जाए। तो बस इस तरह से हाथों से पहले इसे अच्छी तरह से रफली करते हुए हम इसे अच्छी तरह से धोएंगे ताकि इसमें जितना भी एक्स्ट्रा नमक है वो अच्छे से साफ़ हो जाए। तो फाइनली मैंने यहाँ पर इसे अच्छी तरह से 4 से 5 बार इसे साफ़ कर लिया है। तो बस अब इसे भी हम अच्छी तरह से निचोड़ते हुए निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, हमें करेले की कतरन को बिल्कुल भी नहीं फेंकना चाहिए क्योंकि करेले में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बेनिफिट होता है जो हमारे शरीर के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। तो चलिए इसे भी मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है और साथ ही इसे अच्छी तरह से निचोड़ लिया है। और अब लेंगे हम 2 छोटे कच्चे आम। तो यहाँ पर मैंने मीडियम साइज़ की 2 कच्ची कैरी ली हुई है, साथ ही मैंने यहाँ पर 400 ग्राम प्याज का इस्तेमाल किया हुआ है। फ्रेंड्स, अगर आप करेला बना रहे हैं तो प्याज की क्वांटिटी आप आधी रखेंगे तो आपके करेले काफ़ी टेस्टी बन के तैयार होंगे। तो यहाँ पर मैंने 600 ग्राम करेले के हिसाब से 400 ग्राम प्याज का इस्तेमाल किया हुआ है। तो बस इसे भी हम अच्छी तरह से छील के काट लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने प्याज को छील के अच्छी तरह से धोने के बाद इसे अच्छी तरह से काट लिया है। तो आप देख सकते हैं इसे हमें इस तरह से लच्छेदार काट लेना है। साथ ही हम कच्ची कैरी को भी इस तरह से काट लेंगे, यानी हमें ज़्यादा ना छोटे ना बड़े, हमें मीडियम साइज़ में काट लेना है। तो बस इन सारी चीज़ों को रेडी करने के बाद अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस पर हम लेंगे एक कढ़ाई और उसमें हम डालेंगे 4 बड़े चम्मच सरसों का तेल। फ्रेंड्स, करेले की सब्ज़ी सरसों के तेल में काफ़ी अच्छी लगती है और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बनती है। तो बस तेल को गर्म होने के बाद अब हम इसमें प्याज को डाल के इसे अच्छे से ब्राउन होने तक भूनेंगे। तो यानी हमें इसे हल्का सा ब्राउन होने तक भूनना है क्योंकि करेले डालने के बाद ये अच्छे से भूनते रहते हैं और इसमें हम पानी का इस्तेमाल नहीं करते जिससे हमारी प्याज और करेले एक साथ ही भूनते रहते हैं जिससे ये सब्ज़ी बहुत ही अच्छी बन के तैयार होती है। तो बस इस तरह से 2 से 3 मिनट तक हम इसी तरह से चलाते हुए इसे जब तक पकाएंगे जब तक इसका कलर हल्का सा चेंज ना हो जाए। इसके साथ ही इसमें हम नमक डालेंगे प्याज के हिसाब से क्योंकि हमने करेले में नमक पहले से डाला हुआ था, इसलिए करेले हमारे पहले से नमकीन है, इसलिए हमें नमक की क्वांटिटी कम ही रखनी है। तो हमें नमक प्याज के अंदाज से ही डालनी है जिससे सब्ज़ी में नमक इक्वल ढंग से पूरा हो जाए।
तो बस इस तरह से नमक डालने से एक तो हमारी प्याज भी अच्छे से ब्राउन हो जाती है, साथ ही इसमें हम डालेंगे एक छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और इसे अच्छी तरह से मिक्स करते हुए इसे चलाएंगे। चलाने के बाद इसे लगभग 1 से 1.5 मिनट तक हम इसी तरह चलाते हुए पकाएंगे और जैसे ही प्याज के कलर अच्छे से चेंज हो जाए तब इसमें हम डालेंगे करेले, यानी हमें प्याज को ज़्यादा ब्राउन होने तक नहीं फ्राई करना है। तो बस इसमें हम करेले डालेंगे और करेले को डालने के बाद इसे अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड्स यकीन मानिए इस तरह से करेला बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है और बहुत ही कम मसाले में और बहुत ही ज़्यादा चटपटा बनके तैयार होता है। अगर इस तरह से आप एक बार सब्जी को बना लेंगे तो बच्चे भी इसे बहुत ज़्यादा पसंद करने वाले हैं, क्योंकि कड़वा होने की वजह से बच्चे इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, जो कि ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट वाली सब्जी होती है, इसे बच्चों को ज़रूर खाना चाहिए। तो इसके साथ ही अब हम इसमें डालेंगे कच्ची कैरी। फ्रेंड्स कच्ची कैरी और करेले एक साथ डालने से क्या होता है कि जब कच्ची कैरी का रस जब निकलता है तो सब्जी हमारी उसी के साथ पकती है और करेले में अच्छे से खट्टापन आ जाता है, जिससे सब्जी बहुत ही ज़्यादा चटपटी बनके तैयार होती है। तो बस कच्ची कैरी को डालने के बाद इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसे हम ढक के बिल्कुल धीमी आँच में लगभग 20 से 25 मिनट तक इसी तरह से पकाएंगे। तो हमें इसे बीच बीच में चलाते रहना है। थोड़ी थोड़ी देर में हम करेले को चेक कर लेते हैं, तो चलिए इसे हम एक बार फिर से चला लेते हैं। तो इस तरह से उलटते पुलटते हुए चलाते रहेंगे और इसे हम ढक के बिल्कुल धीमी आंच में पकाते रहेंगे, जिससे करेले हमारे अच्छे से कलरते हुए पके और पूरी तरह से अच्छे से भुन जाएं। तो बस इस तरह से चला के इसे वापस से ढक के फिर से हम पकने देंगे। फाइनली 20 से 25 मिनट के बाद आप देख सकते हैं करेले काफ़ी अच्छे से भुन चुके हैं और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार हुए हैं। तो आप देख सकते हैं ये कितने अच्छे से सॉफ्ट हो चुके और बहुत ही अच्छी तरह से भुंजे हुए हैं। तो बस इस तरह से इसे हम अच्छी तरह से चला लेंगे और आप सब्जी को देख के ही अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कितनी ज़्यादा चटपटी और टेस्टी बन के तैयार हुई है। फ्रेंड्स इस तरह से सब्जी आप एक बार बना लेंगे तो आपको करेले बहुत ही ज़्यादा फेवरेट हो जाएंगे। तो चलिए इसके साथ ही अब फाइनली हम इसमें डालते हैं मसाला। तो मसाला हमने ऑलरेडी पहले से भुंजा हुआ है, इसलिए हमें मसाले को डालने के बाद इसे हमें ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है, क्योंकि करेले हमारे अच्छे से पक चुके हैं। तो मसाले को डाल के हम इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे। तो मसाले हम 2 स्टेप में मिलाएंगे ताकि पूरी तरह से इसमें मिक्स हो जाए, और इसे डालने के बाद वापस से हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और हाई फ्लेम में करके इसे 1 मिनट के लिए इस तरह से भूंजेंगे, जिससे मसाले और करेले अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से भून चुकी है सब्जी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लग रही है। बस एक बार इस तरह से आप एक बार सब्जी बना के देखिए, यकीन मानिए आप करेले की सब्जी को बहुत पसंद करने वाले हैं और इसका स्वाद आप जब एक बार बनाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो बस चलिए इसे हम सर्व करते हैं। आप इसे दाल सब्जी रोटी के साथ खाएं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो इसे हम सर्व करके दिखा देते हैं। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से भुंजी हुई है और ये देखने के साथ साथ खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो बस इसी तरह से आप करेले को बनाएं और इन्जॉय करें और साथ ही इसके होने वाले फ़ायदे भी उठाएं, जिससे हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं, इसलिए हमें करेले को ज़रूर खाना चाहिए। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको आज की रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मोहिनी किचन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आने वाली हर वीडियो का मैसेज आपको पहले मिल सके। तो मिलती हूँ अपनी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।